के साथ हम सब के बीच होगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये अनावरण हो रहा है और देखिए लोकार्पण हुआ इस अंडर पास का जो बहुप्रतीक्षित था। आप सबके लिए जोरदार तालियों से आप शामिल हों इस अवसर पर आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति और उनके कर कमलों से लोकार्पण हुआ इसका। और साथ ही श्रीमती आतिशी सिंह कालकाजी से विधायक और श्री प्रवीण कुमार क्षेत्रीय विधायक, आप सब से अनुरोध एक बार जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करें। किसी ने कहा है कि किसी की मर्जी तो होती है जो फूल बागान में खिलते हैं, कोई तो हाथ थामता है तब इरादों को आसमान मिलते हैं। हमने भगवान देखे तो नहीं पर उनके होने का यकीन होता है जब जब भी हमें आप जैसे नेक दिल इंसान मिलते हैं, जब भी हमें आप जैसे नेक दिल इंसान मिलते हैं। तो सभी अतिथियों का हृदय से आभार। और अब इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं अपने सभी माननीय अतिथिगण का। मेरा अनुरोध श्री पी के परमार जी चीफ इंजीनियर फ्लाईओवर आए और नवांकुर के माध्यम से हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप शामिल रहें इस अभिनंदन में। मेरा अनुरोध श्री तेज सिंह मीना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल से, वो आए और कालका जी विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमती आतिशी सिंह जी का इस नवांकुर के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा अनुरोध श्री उमेश कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल से, वो आए और जंगपुरा के हमारे माननीय विधायक महोदय को ये नवांकुर भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री अभिषेक राज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल से, वो आकर श्री अनंत कुमार इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी को नवांकुर भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री रवि वर्मा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल से, वो आए और श्री एम के महोबिया प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट महोदय को ये नवांकुर भेंट करें। मेरा अनुरोध श्री चमन सिंह जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इस अवसर पर आए और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा इस अवसर पर अनुरोध श्री अनंत कुमार इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी महोदय से, वो आए और हम सब के बीच अपना उद्बोधन रखें, स्वागत भाषण। नमस्कार। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के माननीय विधायक श्री प्रवीण कुमार जी, श्रीमती आतिशी सिंह जी, हमारे सचिव स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए हैं सर, उनका मैसेज आया था, और विभाग के मेरे सहयोगी श्री मनोज महोबिया, पी के परमार और अनगिनत सहयोगी जिनके परिश्रम से ये आज का निर्माण सफल हो पाया है, मीडिया के साथी, आप सबका आज के समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। इस अंडरपास की स्वीकृति दिल्ली सरकार द्वारा दिसंबर 18 में दी गई थी। जैसे कि अभी बताया गया कि यह चौराहा दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है और ये आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस अंडरपास का लोकार्पण किया जा रहा है। हम लोग इस विषय में भाग्यशाली हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी विभाग का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ आने के लिए अपनी सहमति दी तथा हम सबका उत्साहवर्धन किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसको अंडरपास को ट्रायल के लिए 22 मार्च 1922 को खोल दिया गया था तथा ट्रायल सफल होने के पश्चात आज मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इस अंडरपास के बनने से चौराहे पर ट्रैफिक को सुगम करने में सुविधा होगी और काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस अंडरपास के बनने में बहुत सारी दिक्कतें थी क्योंकि बहुत सारे विभागों का बहुत सारी सुविधाओं भरा ये जो अंबार लगा हुआ था यहाँ पर, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी
डीएमआरसी यहाँ है, यमुना के पास होने के कारण भी इस क्षेत्र की अपनी अलग जरूरतें थी, 1200 मिलीमीटर डायस सीवर लाइन थी और बहुत सारी अन्य चीजें थी। उस सब के बीच लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करें श्री पीके परमार जी का, जो हमें टेक्निकल डिटेल इस प्रोजेक्ट की बताएंगे। श्री पीके परमार जी। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री मनोज सिसोदिया साहब, यहाँ पे उपस्थित माननीय विधायक श्री प्रवीण कुमार जी, श्रीमती आतिशी सिंह जी, हमारे विभाग के ईएनसी श्री अनंत कुमार साहब और प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर श्री एमके महुआ साहब, मेरे मीडिया के सभी साथीगण यहाँ पे उपस्थित सभी यहाँ के नागरिकों को मैं आज अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ कि आश्रम अंडर पास का शुभारम्भ होने जा रहा है। ये अंडरपास 410 मीटर लंबाई का है, स्टैंडर्ड पीडब्ल्यूडी का, जो एक अंडरपास की 2+2 लेन का जो कैरिजवे दोनों साइड में बनाए गए हैं, जो बीच में जहां आप लोग बैठे हुए हैं ये जो बॉक्स है इसकी लंबाई 40 मीटर की है, जो ऊपर के ट्रैफिक के लिए बनाया गया है। इस अंडरपास का जो निर्माण है, इसका जो बदरपुर साइड का रैंप है ये मेट्रो स्टेशन के ऊपर बना हुआ है। पहले जब मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उनसे बात करके इसका एक प्रोविज़न यहाँ पे छुड़वाया गया था, क्योंकि दोनों तरफ ज़मीन के अंदर 3 स्टोरी का मेट्रो का जो स्टेशन है, लेकिन जिस पोर्शन से ये रैंप निकल रहा है वो 2 स्टोरी बनवाया गया ताकि ये रैंप आराम से निकल जाए। ये जब अंडरपास यहाँ पे बनाया जा रहा था तो यहाँ के नागरिकों की काफ़ी आशंकाएँ थी, यहाँ पे जो भोगल साइड में दुकानदार हैं उनकी भी काफ़ी उनके मन में संशय था कि कुछ हमारी दुकानों में तोड़फोड़ की जाएगी, क्योंकि जगह यहाँ पे काफ़ी कम थी। लेकिन यहाँ के जो माननीय विधायक हैं श्री प्रवीण कुमार साहब, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ यहाँ के नागरिकों का सामंजस्य बिठाया, बहुत सारी मीटिंग ऑन साइट करवाई, यहाँ अपने ऑफिस में बुला के लोगों को बताया और किसी भी तरह की तोड़फोड़ किए बिना पूरा इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऐसा किया गया कि कहीं कोई तोड़फोड़ ना हो और आराम से अंडरपास का निर्माण हो जाए। इस अंडरपास को बनाने के लिए जो हमेशा मानसून के टाइम में अंडरपासेस में पानी भरता है तो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। दोनों तरफ के कैरिजवे में 1.5 लाख लीटर का वाटर का सम्प बनाया गया है ताकि अगर पानी अंदर आए तो उसको पंप से बाहर निकाल दें। पंप भी दोनों तरफ डबल कैपेसिटी के लगाए गए हैं, एक नॉर्मल पंप है, एक स्टैंड बाई हमेशा तैयार रहेगा कि अगर पंप खराब हो जाए तो पानी निकलता रहे। दिल्ली सरकार के द्वारा बाद में एक स्वीकृति अलग से दी गई कि इसको ऊपर से भी कवर कर दिया जाए, जिससे कि अगर बरसात का पानी ऊपर से आ ना पाए और बाहर से भी पानी ना आए, इसके लिए रोड में इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि बाहर का पानी अंडर पास में ना आ पाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये मानसून के पीरियड में भी इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और यातायात सुगम तौर से चलता रहेगा। ये अंडरपास जब शुरू किया था तो दिसंबर 2018 में इसकी स्वीकृति आई थी और 77.92 करोड़ के आसपास का इसका एस्टीमेट था। इसमें जो निर्माण है वो लगभग 53 करोड़ में इसका निर्माण किया, बाकी पैसे यूटिलिटी की जो शिफ्टिंग करवाई गई उसमें लगाए गए। जैसे ही अंडरपास का काम यहाँ पे शुरू हुआ था तो काफ़ी सारी हिंड्रेंस आई थी। उस समय यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था जिसके कारण शाहीनबाग की तरफ का रास्ता बंद हो गया था और सारे जो ट्रैफिक था नोएडा जाने वाला उसको यहाँ डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक यह काम यहाँ नहीं हो पाया क्योंकि बैरिकेडिंग हटाई गई। इसके अलावा जब ये कार्य किया जा रहा था तो यहाँ पर जितनी भी प्रकार की यूटिलिटी की सर्विस है, चाहे डीजेवी की सीवर लाइन हो, डीजेवी की वाटर सप्लाई लाइन, एसटीएल की जो डीटीएल की हाई टेंशन लाइन, बीएसईएस की लाइन, जितनी भी प्रकार की सर्विसेज हैं, आईजीएल की गैस लाइन, सारी यहां पर शिफ्ट कराई गई और उनको शिफ्ट कराना एक काफ़ी बड़ी टास्क थी जिसको सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा स्वयं किया गया और कुछ का काम पीडब्ल्यूडी ने करके दिया जिससे कि समय से काम पूरा हो जाए। ये वैसे तो देखने में 410 मीटर का अंडरपास एक छोटा सा अंडरपास लगता है, जब आप ट्रेवल करेंगे तो आप कुछ ही सेकंडों में इसको पार कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए बेनिफिट हैं मैं एक दो शब्द में वो भी बताना चाहता हूँ। जब यहाँ सिग्नल लगा हुआ था तो सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकती थी
और जिसके कारण ईंधन की वेस्टेज होती थी वो लगभग कैलकुलेशन जो हमने किया 1500 लीटर ईंधन पर डे का यहाँ पे जो है उसकी बचत होगी। उसके अलावा जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता था उसमें भी लगभग 3.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रुक जाएगा, पॉल्यूशन को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके अलावा अगर मैं समय की बचत की बात करूं कि जितने लोग यहां रुकते थे तो वो एक कैलकुलेशन जो है उसके हिसाब से 933 मैन डेज जो दिहाड़ी आदमियों की गिनते हैं पर डे की उसकी बचत होगी। अगर मैं उसको फाइनेंशियल टर्म्स में आपको कैलकुलेट करूं तो लगभग 15,67,00,000 रुपये पर ईयर सालाना बचत होगी। और इसकी जो अंडरपास की कॉस्ट है वो 4-5 साल में ही पूरी की पूरी हो जाएगी और पूरी जनता को इसका बेनिफिट होगा। अंत में मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। पीडब्ल्यूडी अपने कामों के लिए जाना जाता है और कुछ लोगों को लगता है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान बहुत कम है। तो इसीलिए पीडब्ल्यूडी लगातार अपने कामों से दिल्ली को नई नई सुविधाएं दे रहा है और अब इन सुविधाओं के पीछे दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में आदरणीय मनीष सिसोदिया सर हमारे बीच। अब मेरा अनुरोध वो आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। अब अनुरोध आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर विशेष रूप से जंगपुरा और कालकाजी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों के, ओखला विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों को, लेकिन वैसे पूरी दिल्ली के और एनसीआर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद से लेके पूरा मथुरा से तक के लोग रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं। और जैसे इंजीनियर साहब बता रहे थे अभी कि यहाँ पर खड़े खड़े रोजाना लोग 1,550 लीटर तेल फूंक देते थे, मतलब 24 घंटे में रेड लाइट पे खड़े खड़े वाहनों में इतने वाहन यहाँ पे रुकते थे कि 1,550 लीटर तेल वेस्ट चला जाता था, डीजल पेट्रोल वेस्ट चला जाता था। इस पुल के खुलने से, इस अंडरपास के खुलने से सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि लोगों का टाइम भी बचेगा और प्राकृतिक ऊर्जा जो तेल के रूप में उपलब्ध है, 1,550 लीटर तेल रोजाना इस पे बेकार फूक जाता था, यहां पैसा लगा के आज ये रास्ता खुल गया तो इसके बाद आपका वो 1,550 लीटर तेल भी बच जाएगा। और साथ साथ जो 3,601 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रोजाना निकलती थी यहां से वो भी बच जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बचत है। 3.6 टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलती थी, उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को और हम सबको मिलेगा, पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। मैं इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, आर्किटेक्ट को, सबको इसके लिए बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार इस कोशिश में हैं कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक बहुत स्मूथ कर दिया जाए और दिल्ली की सड़कों को बहुत सुंदर बनाया जाए। मैं जब इस अंडरपास का काम देखने आया था 2 महीने पहले तो उस वक्त कुछ कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी और हमें ये बताया गया था कि 1 महीने में अंडरपास यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ कुछ फिनिशिंग की काम रह जाएंगे जैसे ये डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ छत का लगाने का काम है। तो मैंने इंजीनियर से रिक्वेस्ट किया था कि इसको उद्घाटन के लिए या डेंटिंग पेंटिंग तो हमेशा चलते रहने वाला काम है, उसके लिए रोका ना जाए, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतने लोग यहाँ खड़े होकर वेट करते हैं तो उसका नुकसान एक भी दिन क्यों उठाना पड़े। और इंजीनियर्स ने अपने वादे पे काम करते हुए इसको 22 मार्च को असली उद्घाटन इसका जनता से करा दिया था। हमने कहा कि मिनिस्टर का इंतजार मत करो, मुख्यमंत्री जी का इंतजार मत करो, डेंटिंग पेंटिंग के पूरे होने का इंतजार मत करो, जनता को प्रॉब्लम हो रही है, पूरे पुल को जनता को यूज करने दो। तो अंडरपास को जनता से उद्घाटन खुद हमने करा लिया था, आज इसका फॉर्मल लोकार्पण हो रहा है। और मेरा भी मन था कि एक साथ बैठ के क्षेत्र के कुछ लोग देखें कि बना कैसा है, निकलेंगे रोज इससे, इसका यूज करेंगे तो देखेंगे ही, लेकिन एक बार यहाँ
इतना सुंदर वातावरण लोगों ने बनाया है, इसके लिए भी मैं इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट को बधाई देता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी की कोशिश पूरी यह है कि दिल्ली की एक एक सड़क इसी तरह से खूबसूरत दिखे, दिल्ली के लोग जहाँ भी जाएं गर्व से कहें कि मेरी दिल्ली की सड़कें सुंदर हो गई हैं, तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये सब बनाना करना निकलना, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, परमार साहब ने, कि निकलना आसान है, अब तो एक मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ तक 450 मीटर, लेकिन इस 450 मीटर को बनाने के लिए कितनी सर्विस लाइन्स, मेट्रो लाइन्स, फिर कोविड पॉल्यूशन की वजह से बंद हुआ, ट्रैफिक रोजाना का, इन सब की परेशानियों के बीच ये बनाया गया। मजदूरों के लिए, इंजीनियर्स के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन इतने हैवी ट्रैफिक में आसान नहीं होता और इतनी सारी सर्विसेज के बीच में। मैं सिर्फ आपको सूचना के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं रिव्यू करता रहता हूं पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स को। प्रगति मैदान के पास एक अंडरपास बन रहा है, टनल है ना वो, रेलवे लाइन के नीचे, रेलवे लाइन के नीचे एक टनल बन रही है। अब आप सोचो, रोजाना हजारों ट्रेन रेलवे लाइन से निकलती हैं, उसके दौरान इंजीनियर्स को 2-3 घंटे का समय रेलवे ने दिया है रात को, कि भाई रात को हम 2-3 घंटे ट्रेन नहीं यूज करेंगे, उस वक्त आप अपना यहां पे अंडरपास बना लो, टनल बना लो। तो इन्होंने उसका पूरा शाफ्ट, उसका बॉक्स बना के रखा है, और मैं खुद भी देखने गया था कि वो कितने मीटर का बॉक्स है, 40 मीटर इस तरह से बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स इसके नीचे बना हुआ है। उस 40 मीटर के बॉक्स को रेलवे लाइन के अंदर ले जाके सेटल करने में, और फिर अगले दिन रोजाना रेल भी उससे गुजरती है, आप सोचिए, ये हम आराम से कह देते हैं भाई टाइम लग गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर सारी इंजीनियरिंग लगा के, सारे आर्किटेक्ट लगा के, रेलवे का सारा मैनेजमेंट देख के, एक दिन में केवल 50 सेंटीमीटर उस बॉक्स को अंदर खिसका पाते हैं रेलवे लाइन के नीचे। तो इस तरह करके 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 रोज 50 सेंटीमीटर खिसकते खिसकते वो भी बनने पे आ रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग, खासतौर से सिविल इंजीनियरिंग, बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने डेटा रख रहा था। इसको बनाना भी आसान नहीं था इतने ट्रैफिक के बीच में, इन्होंने समय पर पूरा किया। जैसा अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे कि मानसून के स्थितियों का भी इसमें बहुत ध्यान रखा गया है। आइए मिलके दिल्ली की सड़कों को और सुंदर बनाते हैं ये, और दिल्ली के ट्रैफिक को, दिल्ली में एक जगह से दूसरे जगह जाने के एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाते हैं। सरकार की यही कोशिश है, मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आ जाए, आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर हमेशा यही कहते हैं कि काश मेरे हाथ में होता, आसमान देने का मन करता है, सर झुक झुक जाता है, इतना मान देने का मन करता है। आप लोगों ने, इंजीनियर्स के लिए है कि आप लोगों ने बंजर जमी पर चंदन उगा दिए, मेरे दोस्तों आपकी मेहनत लगन पर दिलों जान देने का मन करता है। तो एक बार जोरदार ताली हम सभी अपने इंजीनियर्स और इस जगह काम करने वाले अपने मजदूर भाइयों के लिए बजाएं, जोरदार तालियां। और अब मेरा अनुरोध, श्री अभिषेक राज, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। सड़कों की क्षमता बढ़ाकर पॉल्यूशन की ज्वलंत समस्या को दूर करने में यह प्रोजेक्ट एक अहम कड़ी है। इस संदर्भ में दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मनीष सिसोदिया जी का सहृदय आभार कि उन्होंने दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट में निरंतर मार्गदर्शन किया और आज इसका लोकार्पण किया। क्षेत्र के माननीय विधायक श्री प्रवीण कुमार जी का सहृदय धन्यवाद, जिन्होंने निरंतर प्रोत्साहित किया, वह अपना मूल्यवान समय निकालकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। निर्माण के दौरान भी इनका सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। माननीय विधायक कालका जी, श्रीमती आतिशी सिंह जी का सहृदय धन्यवाद कि इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, वे अपना मूल्यवान समय निकालकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। श्री अनंत कुमार, प्रमुख अभियंता महोदय, लोक निर्माण विभाग एवं उनके कार्यालय का आभार कि उन्होंने निरंतर मार्गदर्शन करता किया।
लोक निर्माण विभाग की ओर से अपने सभी साथियों, निर्माण एजेंसी मेजर्स धर्मराज कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्थानीय प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली यातायात पुलिस, BACS, दिल्ली जल बोर्ड, MTNL व अन्य सरकारी विभाग के कर्म अधिकारियों, प्रेस तथा स्थानीय RWA की का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। स्थानीय जनता का भी सहृदय धन्यवाद कि उन्होंने समारोह के दौरान धैर्य बनाए रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभी लोग जो आए हुए हमारे अतिथि हैं इस क्षेत्र के, सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। पीछे जो लोग हैं सभी, राष्ट्रगान के लिए अब राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान। नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड पुष्कर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।